हम कल क्या पढ़ रहे थे? न्याय निगमन।
अब दिख रहा है? क्या एक मिनट देखा है? अब दिख रहा सब पड़ा ना? दिख रहा है कुल्हाड़ी।
अरे कुल्हाड़ियाँ नाले के बारे में बोला धुनी आ रही है कुल्हाड़ियाँ है। ये बने उसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये वो ब्लेड हो गया, कुछ ब्लेड हथौड़े हैं, कुछ हथौड़े चाकू हैं, कुछ चाकू कुल्हाड़ियाँ हैं, ठीक है। अब चेक करें आप सुनिए सभी देवी सभी ने बैठ जाओ, क्या बात क्या हो गया है, क्या खाली अकेले करे तुम वहां पे मोनिका है बिल्ली तरीके होते कुछ बिल्लियां सॉरी कुछ कुल्हाड़ियां हथौड़े है, देखिए कुछ कुल्हाड़ियां हथौड़े चेक करो क्या कुछ कुल्हाड़ियां और हथौड़े मिलना है आपस में, हथौड़े जो है कुल्हाड़ियां है ये मिलना है आपस में, ये नहीं मिलना है ना गलत, क्या गलत हो जाएगा। कुछ चाकू ब्लेड है क्या कुछ चाकू ब्लेड अंदर आ रहे हैं, नहीं आने गलत हो गए ये भी। कुछ कुल्हाड़ियां हथौड़े नहीं है, कुछ कुल्हाड़ियां कहां गया, कुछ कुल्हाड़ियां हथौड़े नहीं है, सही होगा तो ये क्यों गलत होगा ये, क्योंकि कथन हमारा पॉजिटिव है ये निगेटिव है, गलत हो जा रहा है, ठीक है सही। और मैं जो लोग कला तुम समझा रहा है आज आगे लो छोड़ दो आगे समझने कम आएगा, जो कला को पूछो पूछना कुछ तो अगला क्या है इसके मान से क्या आ रहा था पहला और बहुत हैगा है। देखो सभी दार्शनिक मूर्ख हैं, दार्शनिक कौन होते हैं इंग्लिश में बोलते हैं फिलोसोफर है, हिंदी में बोले हिंदी में अच्छा अच्छा हाँ ठीक। ये सभी दार्शनिक क्या है, सभी दार्शनिक मूर्ख है, समझाएंगे ये सभी आ जाएंगे पूरा बोला मूर्ख के अंदर, देखो सभी दार्शनिक मूर्ख हो गए ठीक है, सभी मूर्ख अनपढ़ बेचारे। अब सही मूर्ख कहाँ जाएंगे, इसके अंदर, किसके अनपढ़ सभी मूर्ख क्या हो जाएंगे अनपढ़ देहाती, सभी दार्शनिक मूर्ख है सभी मूर्ख अनपढ़ है, पूरा बन गया डायग्राम हमारा इसका। अब चेक करेंगे ऑप्शन ये वाले कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, सभी दार्शनिक अनपढ़ है बताओ क्या सभी दार्शनिक इसके अंदर आ रहे हैं अनपढ़ अंदर, क्या सभी दार्शनिक इसके अंदर आ रहे हैं अनपढ़ अंदर आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा सही जाएगा, तो देखो सही यस। अगला देखिएगा सभी अनपढ़ दार्शनिक है, देखो बड़ा बोल रहा अनपढ़ वाला सभी अनपढ़ इसके अंदर आ जाएंगे क्या, नहीं आ पाएंगे ना, मैंने क्या बताया था ये बड़ा बुल्ला है छोटा बुल्ला है, बड़ा बुल्ला से तो पूरा नहीं जाएगा ये गलत हो जाएगा, समझ आ गया। आगे जो क्या है सभी अनपढ़ मूर्ख है, वही बात यहाँ पे है क्या सभी अनपढ़ इसके अंदर आ जाएंगे, सभी अनपढ़ इसके बाद आ जाएंगे नहीं आएंगे गलत, कुछ अनपढ़ दार्शनिक है अब हो सकता है, यहाँ क्या था सभी अनपढ़ दार्शनिक गलत हो जाएगा, कुछ तो हो सकता है कुछ तो जा सकता है उसके अंदर, ये छोटा पास बड़ा पास कुछ तो जाएगा इसके अंदर, इसका पूरा नहीं आएगा लेकिन कुछ जाएगा इसका हिस्सा, क्या हो जाएगा ये सही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा पहला और चौथा सही है बाकी सारे गलत है, ठीक है। लिखो फिर क्वेश्चन अगला करते हैं, आधे घंटे में चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर करेंगे नया, तो सबको समझ में आएगा चैप्टर नया क्या चल रहा है हमारा, ठीक है क्या बात और जूते जूते 150 रुपए के कैंपस के, अरे हम गरीब आदमी ऐसे लेते हैं बता दे बता दे लेकर क्या क्या कह रहे हो इतने नहीं मिल जाती ये इम्पोर्टेंट है। सभी कुंजियां ताले हैं, ऑल कीज आर लॉक्स, ठीक है
कुछ ताले लोह है, कुछ ताले लोह या लोहा या लोह है, लिखा लोह लिखा भाई, सम लॉक्स आर आयरन, ठीक है हो गया। निष्कर्ष है पहला, सभी कुंजियां लोह हैं, लिख रहा हूं पीछे पीछे दिख रहा है खुशबू, कितना दिख रहा हूं, सब दिख रहा पूरा ठीक है, सभी लोह कुंजियां नहीं है, सॉरी यस, कुछ लोह या लोहा कुंजियां नहीं है, ठीक है। अब मैं लिखा था इंपॉर्टेंट, तो कोई तो बात होगी भाई है ना, बढ़ा देंगे भाई शायद, ये क्वेश्चन होता है वेन डायग्राम के, चले चले गए इसका फोन आ रहा है, फोन बहुत आता तुम लोग, पता नहीं फोन है, आप पता क्या है, रिचार्ज हो गया ठीक है, यहाँ तो रिचार्ज खत्म हो मोबाइल में, पैसा ना है कथन है इसका, अगला जैसे क्वेश्चन सेम है वैसे ही होगा, ये तो अभी क्या था हूँ, ये तो क्वेश्चन किया था हमने अभी, गलत दिखा दिया कुछ, अगर एक क्वेश्चन है कुछ कुर्सियां हैंडल है, ये आ जाओ, कुछ कुर्सियां हैंडल है, हैंडल हैंडल है, सभी हैंडल बर्तन है, बर्तन है, सभी बर्तन चटाइयां है, कुछ चटाइयां बसे हैं, इसका दे रखा है इसका पहला, ये भी नहीं आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ बसे निश्चित रूप से हैंडल है, जी आ जाइए, निश्चित रूप से हैंडल है, दोस्त चेंज हो गया है, कम से कम कुछ चटाइयां कुर्सियां हैं, कम से कम कुछ चटाइयां कुर्सियां हैं, थर्ड ऑप्शन इज सभी बस हैंडल नहीं है, सभी बस हैंडल हैंडल नहीं लिख पाए, देख रहे हैंडल नहीं है, और लास्ट है ऑप्शन गिवन आपके पास, 60% चटाइयां हैंडल है, 60% चटाइयां हैंडल है, बस पूरी फीक गई थी हमारी, कल क्या बताया, चेंज
31 नंबर अच्छा क्वेश्चन याद देते तो ये हमारा हाँ क्यों हो नहीं सकता है कुछ नहीं हाँ सही है बहुत बढ़िया अच्छा पास है अच्छा पास है तो मुसीबत कुछ क्या तो मुसीबत आइए बोल सर बोल 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 क्या बोल हाँ बोल यस बोल बोल देख करते हैं अब दोनों ही क्वेश्चन हमारे इम्पोर्टेंट है मतलब कैसे देखो बात रही थी बड़े पीछे बताया बात रही है तो पूछेंगे तेरह का कहाँ बनो आ तेरह का कहाँ बनो जाना पढ़ ले बाना किसी नहीं आया उनमें से सब खाने के आता है भारी बात इसका आंसर क्या रहा बताएं दोनों का क्या रहा है कोई है जो इसका आंसर सही दे सकता है जो पढ़ चुका पहले कभी इतिहास मन से बताइए बताइए और कोई प्राणी इसका तो पूरे इसके ऑप्शन पूरे क्या लिखे हैं देखो इसके ऑप्शन यहां से कहां है बहुत अपने लिखे समझो ध्यान दो इसमें आंसर क्या आएगा इसमें आंसर आएगा आपका या तो ए या तो बी हाँ कौन बोला ये लड़के ये सही है कभी आंसर दीजिए होगा निष्कर्ष या तो ए या सेकंड अनुसरण अनुसरण क्या लिख रहे हैं अनुसरण करता है ये आपका आंसर होगा मतलब जो कंक्लूजन आपका फर्स्ट या सेकंड फॉलो करते हैं ये आपका आंसर होगा ये आंसर कब होगा किस कंडीशन में आंसर होगा बताओ क्या मैच कर रहा है बताओ सभी सुजल हुए अच्छा कुंजिया और सुजल ना सुजल ना लिखा है क्योंकि सभी अगर नहीं तो नहीं हाँ देखो इसमें हाँ बताओ अच्छा बताओ देखो इसका आंसर ये लिखेंगे टिक करेंगे कैसे सुनो सुनो ध्यान से इसका डायरम मत बनाओ तब कोई दिक्कत नहीं है डायरम क्यों बनाओ क्योंकि यार हमेशा जब भी क्वेश्चन ऐसा जाए इसका जो क्या है कौन है बाबू का बात बोधी बड़े बात का करो क्यों रजनीश बोधी बढ़ा लो बोधी बढ़ा लो बोधी अपने बाबू ने बोधी बढ़ा लो कहीं क्या समझे ध्यान में यहाँ पे सभी कुंजियां लोहे हैं कुछ लोहे कुंजियां नहीं है अब देखो लाइन बिल्कुल सेम है सब कुछ सही है एक में काम हो रहा है एक में काम नहीं हो रहा है समझो सभी कुंजियां लोहे हैं एक ही बात है या सभी लोग कुंजिया है सभी कुंजिया लोहे हो गई अब कुछ लोग कुंजिया नहीं है लाइन सेम है शब्द भी सेम मिला हमारे पास एक में हाँ है एक में ना है ठीक है समझो बतिया है तुम आगे बैठ के हैं बतिया है देखो जब भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए एक में काम हो रहा हो एक में काम ना हो रहा हो और लाइन बिल्कुल सेम हो कुंजिया लोहे कुंजिया कुंजिया लोहे लोहे है नहीं है तो क्या हुआ तो हमेशा आंसर क्या हुआ या तो एक या सेकंड आंसर करता है ये नहीं किया पहले बात तो सही होती है ऐसा मतलब नहीं है हमेशा क्या हुआ केस बनेगा आधा वाला या तो ये या ये सही है जिसको ये ना समझ आया हो वो ये देखे किसमें भी ऐसे बनेगा इसका हम बनाएंगे डायग्राम देख के समझाएंगे आराम से इसका डायग्राम बनाएंगे समझाएंगे इसका बन जाएगा तो कैसी बात करें हाँ आ गया अब डायग्राम इसके देखो इस चैप्टर के डायग्राम दो दिन बन सकते हैं देखो सभी कुंजियां ताले हो गई कुछ ताले मतलब एक डायग्राम नहीं बन गया इसका एक डायग्राम और हो सकता है क्या कुछ सभी कुंजियां क्या है ताले हैं कुछ ताले क्या है और दोनों ही डायग्राम को ठीक है डायग्राम दोनों ही ठीक है इसके अब कंडीशन क्या हमारी पढ़ो सभी कुंजियां लोहे हैं क्या सभी कुंजियां लोहे में आ रही हैं नहीं आ रही है क्या सभी कुंजियां लोहे में आ रही नहीं कुछ आ रही है देवगत हो गए हमारे यहाँ पे कुछ लोहो कुंजियां नहीं है कुछ लोहो कुंजियां नहीं है यहाँ कुछ नहीं है पर यहाँ तो कुछ हो रही है तो ये सही हो जाएगा हमारा एक गलत सही हो जाएगा
क्या करेंगे समय जब वहां सब समझो समझो प्यार से इसको ध्यान मत दो आप कति ध्यान मत दो बना एग्जाम लिखो तो आपको खाली क्या देखो डायग्राम समझ में आ जाएगा समझाएंगे खाली क्या ध्यान दो एक ही सेंटेंस हो एक में सेंटेंस काम बोल रहा हाँ हो रहा है एक में मना कर रहा कि नहीं हो रहा है तो हम इसे क्या टिक करेंगे वैसे या तो बोलो ठीक है अब दो मिनट मुझे और दो फिर दो मिनट दो ये समझो समझ आ जाए पक्का दो मिनट दो अभी इसको नहीं समझना ये वाला वो ये देखें देखो सभी कुर्सियां हैंडल है देखो सभी कुर्सी में आया नहीं सभी लिखा नहीं कुर्सी है हाँ बोले हमने बोला था पता नहीं पीछे से कौन बोल पड़ा ये है कुर्सियां कुछ क्या हो जाएंगी हैंडल है आगे सभी हैंडल बर्तन है सभी हैंडल क्या हो जाएंगे बर्तन हो जाएंगे घूमने वाले ठीक है सभी बर्तन क्या है चटाइयां हैं सभी बर्तन चटाइयां हैं ठीक है ये डायग्राम बन गया हमारा ठीक है अपन इसमें बोल देखो चार ऑप्शन है अपन चार पांच चार ऑप्शन है इनमें बोल देखो अपने दिमाग से इसको मत देखो वो देखो कोई दो ऑप्शन ऐसे भी रखे होंगे एक ही लाइन होगी एक में काम होगा हाँ एक में नहीं होगा देखो कौन कौन सा रहा है बसे निश्चित रूप से हैंडल है और कौन सा रहा है बस हैंडल नहीं है लैंग्वेज में सेम है समझो ध्यान से बसे निश्चित रूप से हैंडल है यहाँ कह रहा है हाँ कह रहा है हाँ है इसमें तीसरा नंबर क्या ले रहा है बसे हैंडल नहीं है यहाँ पर नहीं बोल रहा है समझो ध्यान से बताएंगे पूरा बसे बसे हैंडल हैंडल है या नहीं सेम है ना देखेंगे क्या बनना हमारा यहाँ पे निष्कर्ष सुंदर होगी एक बार समझ से निष्कर्ष एक या तीन और बाकी बचे हम चेक करेंगे जो बचे बाकी के वो अलग है वो चेक करेंगे हम चेक करो दूसरा वाला कम से कम कुछ चटाइयां कुर्सियां हैं कम से कम कुछ चटाइयां कुर्सियों आ रही है आ रही है सही हो गया वाला हमारा अब चेक करो 60% यानी कि कुछ 60% कुछ तो हो गया 60% चटाइयां हैंडल है क्या चटाइयां हैंडल में आ रही है क्या कुछ चटाई इसमें आ सकती है ये भी सही हो गया तो क्या टिक करेंगे निष्कर्ष या तो एक या थर्ड और दूसरा चौथा पता चौथा अनुसरण करता है अनुसरण करता है ये आप टिक करेंगे आप जहां हमें ये ऑप्शन टिक करेंगे आप फिर समझे बार कैसे समझे लास्ट ऑप्शन फिर से बैठो मैडम बैठो फिर समझे एक बार डायग्राम बना लेंगे आप लोग तो बन जाएगा डायग्राम सबसे क्या करेंगे आप क्या देखेंगे ऐसी लाइन देखना ऐसी जिसमें एक में लाइन में काम हो रहा है एक में लाइन में काम नहीं हो रहा है जैसे ये था कुर्सियां सॉरी कुंजियां कुंजियां लोहा है लोहा नहीं है इसमें एक में हाँ एक में ना सेम जो यहाँ पे बसे निश्चित रूप से हैंडल है सही बसे हैंडल नहीं है बसे बसे हैंडल हैंडल है नहीं है सेम मिल रहा है क्यों जाएगा या तो एक या थर्ड अनुसरण करता है बाकी का दूसरा और चौथा हम चेक कर लेंगे वो चेक क्यों करेंगे क्योंकि वो अलग लाइन है ये लाइन मैच नहीं करेगी इससे ठीक है समझ में आ गया नहीं आ गया समझ में आ रहा है ये क्या सोचा था पहले हमारा क्वेश्चन इसको और आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट इसमें किसमें माने रखता है लेकिन माने कब रखता है जब लाइन अलग हो आपकी यहाँ पे लिखा है कुछ निश्चित रूप से हैंडल नहीं है यहाँ पे कुछ क्या होता यहाँ तो होता कुर्सी नहीं है तब देखो लाइन मैच नहीं हुई देखो मैच नहीं हो रही है तब निगेटिव लगता है हमारा ये जब लाइन को मैच कर रही है तो बनेगा या तो वाला ना वो तो मैं बोल रहा हूँ निगेटिव जब काम करता है इसमें जब ये लाइन को सेम ना हो लाइन सेम हो रही है हमने लिख दिया कुर्सी लिख दिया कुर्सी लिख दिया अब ये लाइन मैच नहीं हो रही है तब गलत हो जाएगा हमारा ये पॉजिटिव निगेटिव गलत हो जाएगा हमारा ठीक है समझ मारे कहना चाह रहे हम कैसी बस वाला बना तो आपको बस वाला नहीं बना हमने सभी चटाइयां बसे हैं बना लो कोई दिक्कत नहीं है बन गया बात तो वही है बन गया कुछ चटाइयां बसे हैं कम से कम कुछ चटाइयां बसे हैं कम से कम कुछ चटाइयां बसे हो सकती है सभी है तो कुछ भी होगी तब भी सही होगा हमारा ठीक है
आप तुमने सबको घर से भगा दिया क्या हुआ? सब लोग आ गए इसमें कह रहे ऐसे अभी देख रहे तो डायलॉग वाला कभी सही कर देंगे कि कहाँ पर सही है हाँ बताओ क्या करा बताओ पहले क्या है अच्छा कुछ चटाइयाँ है ना चटाइयाँ बना रहे हैं लोग सुनो समझो डायग्राम समय दोबारा सब दोबारा चलना है कुछ कुर्सियाँ हैंडल है ये हुई कुर्सियाँ ये हो गई हैंडल तो डायग्राम बना तो हो गया आगे का लिखा है सभी हैंडल बर्तन है बेटा लिखा है सही बर्तन चटाइयाँ है लिखा है कुछ चटाइयाँ बर्तन है सही कुछ चटाइयाँ बर्तन है कुछ चटाइयाँ क्या है बसे है सही है कुछ चटाइयाँ बसे है अरे तो जा बाबू सभी बर्तन चटाइयाँ हो गई कुछ चटाइयाँ बसे है कुछ चटाइयाँ क्या है ठीक है क्या बात है क्यों क्या बात है भाई मतलब ये थोड़ा डायरेक्ट गलत हो गया कैसी बात क्या तुम्हें आयु जगह नहीं यार इसमें बैठे धीरे जाओ ये तो यही बैठे आराम से क्या ले गया खाने के लिए आप क्या पैदा रहे अंदर क्या लाओगे क्वेश्चन भी अगला ये सवाल एनटीपीसी में आया है 2016 में सभी फोन पत्थर है बड़ा आराम हो ये समझ आएगा कहा दिख रहा कमाल लग पीछे क्यों सामने का क्या बात है दिख रहा पीछे से क्या बात क्यों लड़कियां हंस रहे हैं कुछ भी कर लो तुम लोग क्या बात है कहते हैं सब लोग यार मजाक करो लिमिट में करो मजाक तुम पता सब चले जा रहे हैं बिल्कुल भी अरे पट्टा बुट मटा पट्टी में सबके लिए भी आ गए तो दम दम गेम आ जाएगी अब कुछ तो बोलो इतना शांत मत रहो कम से कम थोड़ा बोलो तुम थोड़े शांत सुनगे बोले ये सब हाँ बोलो तो दिक्कत है सभी फोन पत्थर है फोड़ दो फोड़ दो कुछ पत्थर रस्सियां हैं सभी रस्सियां खिड़कियां हैं आवाज तुम अच्छी हो कानों चुभे लगे तो सही भी है इस तरह की आवाज कबूल है सबकी ऐसी आवाज कानों को अच्छी लगे वहां तो बोलो सो मचाओ सही भी है पता नहीं क्या भिन्न आवाज देते हैं जैसे हमारी आवाज देखो है कितनी सुन लिए कोयल जैसी है कभी आवाज हाँ कभी कोयल वाली है कभी ये तुम लोग आवाज है कांप कांप वाली Thank you.
कौन पढ़ा लड़की कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़े लड़कियां कौन पढ़ा, सभी लड़कियां रस्सी है लिखा है खिड़कियां लिखा है बाबू, खिड़कियां कौन है ज्ञानी जावे खिड़कियां लिखा है ये मैंने नहीं पढ़ा। अच्छा या तो एक या तीन लड़को सबको साइन हो गया यहाँ पे, ऐसे कैसे हो सकता है जरा संभव। या तो वाला केस इसमें देखते क्या है, इसमें सभी पक्षी बकरियां हैं, बकरियां समझते हो कहाँ थी अब तक पूजा है, पूजा अरे भूल गई तुम्हें, अरे अब क्या होगा, कुछ फूल पर्वत हैं, अब बस करो आपने एक बार पूछा तो कहाँ तक बता हुई हूँ तो बताते ही आ रही थे कि सर बस निकले कहते हम टप टप कर रहा हूं सामने पत्ता रहा था हमारी क्लास में सभी बताओ। अरे भैया मान गया हूं, मान गया देवी देवी मान गया हूं, आप देवी हैं मान तो हम कुछ कर आपसे पीछे भाई थोड़ा हल्के बोले कम बोले बोले हल्के बोले नेट ये दो दिन मुझे अच्छे नहीं लगाते बस चक्कर लगा रहे हैं। जो कल मैंने बताया था आपको संभावना लगाने का, संभावना जो होती है जब किसी का नाम पक्का पता हो तो लगा संभावना हो जाएगा तुम्हारा, आप तो टाइप का भूल करा रहे हैं यहाँ पे हम संभावना वाले क्वेश्चन गलत आए थे हम, ठीक है याद है किसी को नहीं क्या ऋषभ क्या बात क्लास में बड़े ध्यान नहीं कहाँ ध्यान तुम्हारा कहाँ ध्यान है क्या बोला हमने अभी हमने बोला सब ठीक है बस मैंने पूछा हमने यार घबराया कर करे अब देखो मैं कह रहा हूं कभी क्या लेना देना या तो किसको बनता या तो एक या तो दो कब बनेगा जब एक ही लाइन हो मैं कहूँ क्लास में कोई बच्चे हैं और मैं क्लास में कोई बच्चा नहीं है तब बनेगा या तो एक या तो लाइन एक ही है एक लाइन में काम हो रहा हो एक लाइन में काम ना हो रहा हो तो बनेगा केस या तो का आइदर का कि इधर और सेकेंड और फर्स्ट ऐसे जैसे क्वेश्चन हमारा ये करें पहले या जगह इसमें क्या रहा बताओ जरा सेकेंड अब देखो मैंने अभी क्या कहा था मैं चिल्ला चिल्ला के अपनी आत्म बाहर आ गई मैं क्या करती से कि एक लाइन है एक में काम हो रहा है
एक में कम नहीं हो रहा है तो क्या होगा वो, या तो एक या दो, सेम चीज। जाल जाल बकरी बकरी है नहीं है, है तो लाइन सेम ही, एक में काम हो रहा है एक में काम नहीं हो रहा है तो क्या बनेगा, या तो एक या सेकंड ईयर चेकलिप डायग्राम बना के। समझ नहीं आ रहा क्या बात है, जुड़कल पर पड़ चुके हैं, तो फिर आ जाए उनको दिक्कत नहीं है ना, समझ नहीं आ रहा है जुड़कल पड़ चुके हैं वो देख, कम से कम मैं कैसे बोल रहा हूँ कि या तो एक या सेकंड, ये आंसर कब आता है, जब एक ही लाइन हो सेम लाइन हो, जब क्लास में कोई बच्चे हैं फिर वो क्लास में कोई बच्चा नहीं है तो बनेगा या तो एक हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो वही जगह यहाँ पे है, कुछ जाल बकरियां हैं, कुछ कोई जाल बकरी नहीं है, जाल जाल बकरी बकरी है नहीं है, लाइन तो सेम है एक में हाँ एक में ना, तो या तो ये होगा या ये होगा हमारा आंसर, बाकी हम चेक कर लेंगे। क्या आप बता रहे हैं बताओ, सभी पक्षी बकरियां, सही पक्षी बकरियां हो गई, कोई बकरी फूल नहीं है, बकरी क्या नहीं है, फूल नहीं है, देखो कहीं हो रही नहीं हो रही है, सही डायग्राम उत्तर है, कुछ फूल पर्वत है, कुछ फूल पर्वत है, सम फ्लावर आर माउंटेन, ठीक है ये बनेगा डायग्राम इसका, क्या डायग्राम, सभी पक्षी बकरियां हैं बेचारी और कोई बकरियां फूल नहीं है, कुछ बकरियां सॉरी कुछ फूल पर्वत है, ये बने कोई डायग्राम हमारा, आप कोई बोलने जा रहे, देखिए तो मैंने कुछ पर्वत जान है, देखा देखा कुछ पर्वत जान है, सम माउंटेन्स आर नेट, ठीक है ये कोई डायग्राम बन गया हमारे यहाँ पे, डायग्राम उसी को दिक्कत होता है नहीं है ना। अब चेक करो ऑप्शन, देखो इन दोनों को चेक करोगे होगा कंफ्यूजन, इनको चेक करोगे होगा जरा में कंफ्यूजन, क्यों होगा, आप ऐसा निगेटिव है गलत बात नहीं है, फिर ये दोनों चेक करते कल, देखो कुछ जाल बकरियां है नहीं है गलत, कोई जाल बकरी नहीं, देखो सही होगा, समझो समझो समझो, कुछ जाल बकरियां है, कुछ जाल बकरी है नहीं है, गलत हो गया, कोई जाल बकरी नहीं है, हाँ नहीं है सही बात है, तो एक तरफ हाँ करे तो ना करे तो या तो ये होगा या ये होगा हमारा, समझ में आ रहा है, इसलिए कभी भी इतना कंफ्यूजन मत, क्या मत हो कंफ्यूजन मत, क्या करना हमेशा सेम लाइन हो आपकी, सेम लाइन है एक में हाँ है एक में ना है तो बाबू लगा दो केवल यह वाला बस, या तो ये सही होगा या सेकेंड, और जो बचा वाला है वो हम चेक करेंगे, कुछ पर्वत पक्षी है, क्या कोई पर्वत पक्षी है नहीं, नहीं तो क्या लिखेंगे एग्जाम में, क्या आंसर आएगा निष्कर्ष, या तो एक या सेकेंड और थर्ड वन और थर्ड बगल सही है, अनुसरण करते हैं अनुसरण अनुसंधान, क्या इसका आंसर निष्कर्ष, या तो एक या सेकेंड अनुसरण करते हैं, ठीक है ये आपका आंसर है, आपको मैं बोल रहा हूँ अगर इसको दे देंगे डायग्राम से तो आपका अनुपत हो जाएगा, केवल केवल ए पीछे अब आवाज निकल गया आप चुप हो जाओ, मैं बोलना चाह रहा हूँ ए प्लीज चुप हो जाने, अरे बाबा देखो मैं ये बोल रहा हूँ, देखो साफ से सुनो, जब भी कभी ऐसा आ जाए लाख लाखों लाइन सेम है कांस में हो रहा है भाई कहाँ से मना कर रहा है, तो इसको देखो डायग्राम में पक्का अनुपत जाएगा, डायग्राम मध्य उत्तर क्या लगाओ या तो ये होगा या ये होगा, कभी डायग्राम देखो गलत हो जाना हमेशा आंसर, इन चीजों में डायग्राम मध्य को और बाकी जो बच्चे हैं नीचे को ऑप्शन इधर देखो प्रदीप पीछे नीचे जो बच्चे हैं वो चेक कर लो यहाँ से, सर मारा है आपको समस्या डाउट है किसी को मत पूछना कोई है सही, थैंक यू, इसको होता आंसर क्या है इसमें, पहले देखो पहले इसमें देखो कोई ऐसा डायग्राम है नहीं जिसमें सेम हो, डायग्राम नहीं बनाया, देखो कुछ फोन खिड़कियां हैं, फोन खिड़कियां नहीं है, सेम लाइन हो गई तो क्या हो जाएगा,
या तो एक या थर्ड, मतलब बाकी बच्चे हैं, जो बच्चे हैं ये बच्चा है ये बच्चा है, इसको बनाएंगे डायग्राम, तो हम चेक करेंगे। समझ में आ रहा है? तभी कौन पत्थर है, कौन रख लिखता हूँ, कौन तभी कौन क्या है, पत्थर होगा, का था, था, पत्थर, कुछ पत्थर रस्सियां है, कुछ पत्थर क्या है, रा सा सी सी या रस्सियां है, सभी रस्सियां खिड़कियां है, सभी क्या है, खिड़कियां है, खिड़कियां, सही है, पूरा डायग्राम हो गया, सब डायग्राम हो गया पूरा, ये याद को ध्यान दो पीछे यहाँ पे, ए बाबू ए हरे वाले, मत तुम लोग इतनी तमीज नहीं है, तुम लोगों को सुनो, इतने बड़े हो गए नालायक को, आप लोग बहुत बड़े बच्चे हो, सुनो ठीक है, अब सुनो यहाँ पे समझो ये डायग्राम हो गया हमारा, ध्यान दो यहाँ पे, देखो ये तो क्या हो गया, या तो वाला हो गया हमारा, ये हम चेक करेंगे, कुछ खिड़कियां पत्थर है, देखो हो रही है क्या, कुछ खिड़कियां पत्थर में आ रही है, देखो जा रहे सही हो जाएगा, अब देखो चेक करेंगे, ये चेक नहीं करेंगे, ये डायग्राम को हम चेक नहीं करेंगे, क्यों, ये तो बनने या तो वाले, इसलिए मत देखो, क्या देखो, जो बच्चे वो देखो, आप सभी खिड़कियां रस्सियां हैं, सभी खिड़कियां, क्या सभी खिड़कियां आ रही है, क्या बड़ा बुल्ला सुन आ जाएगा पूरा, नहीं आएगा, तो क्या ठीक करेंगे, या तो एक या थर्ड और कौन सा ये और सेकंड अनुसरण करता है, बस अनुसरण करता है, क्या होता है, सही है, फॉलो करता है सही है, तो या तो एक या थर्ड और दूसरा सही है, ये बात है, ये आप ठीक करेंगे सामने आप, सही क्या हुआ, जिन्होंने सेम होगा तब तो पकड़िया तो लगता मन, या तो एक या तो दो से ज्यादा तो लगता है, यानी कि या तो एक या तीन या चार या पांच या सत्रह हो जाएगा, या तो केस दो होते हैं या तो विमल पर आएंगे या नहीं आएंगे, बस दो चीजें, ठीक है, आगे वालों को इसको सहन करने है, और क्या सब लोगों को आज तुम दिमाग खराब कर पड़े हो, आपको सहन कुछ करेंगे, इसमें बताओ और पीछे सबके वो सैन पीछे, लड़कियां और लड़के और बोलो सबके वो सैन पर बेटा बोलो, जैसा वीडियो में बोला हमारे नहीं बोले, और बोला हम सब बना सकते हैं, क्लास में आप देखिए आप क्वेश्चन को दो दिन अच्छे से आराम से चैप्टर खत्म करते हैं, सर
दूसरा हो जाएगा कोई ब्रेड टेस्टी नहीं है, कोई ब्रेड टेस्टी नहीं है बेचारी। पता निकला है कुछ पतलून पैंट है, पतलून समझते हैं आप लोग, पैंट है, सभी पैंट जींस है, क्या क्या है बस क्या इलेक्ट्रॉन प्रिंटर क्या है और नहीं तो क्या सभी जींस कोट है जिसका पहला सभी पैंट कोट है जितना किसे कम से कम सुनो आकर कौन ही बोलेगा कुछ नहीं बोलता है ठीक है जिसका नाम सुनो आकर उठाएगा बोले लगे कम से कम अभी बोले ना पढ़ लिया तुम लोग बताएंगे आंसर लड़कियां पहले और बताएंगे लड़के पीछे से आंसर जो लड़के बड़ी पीछे बताएंगे आंसर अभी नाम मेरा बताएंगे कौन बताएगा अब मैं ये बताया कौन बता रहा है कौन नहीं बता पाएगा अब देखेंगे सबसे दूसरे की वो कि ले तूने तूने कहा था तूने कहा बना हो ऐसे बात करेंगे क्या बोलने सब पचास कर लो ठीक है सब अच्छे है ठीक है तुझे को दिक्कत समझ आ रहा है बोल दे नहीं दिख रहा तो बोल दे दिख रहा है सही मेरा फोटो आ गया कैसे लग रहा हूँ फोटो में कुछ नहीं ना चलिए बताएं लड़कियां नाम दे रहे हैं लड़कियों को पहले जो कराएंगे लड़कियां तो चरम का फोटो करो चेहरा चरम का करो ये ऐसे सर लड़की सर ऐसी करी मुझे ठीक बताएंगे शिवानी पहला आंसर और शिवानी तो शिवानी सब शिवानी नाम है आप शिवानी यही है कि सब हो जाओ लड़के भी फिर लड़के देंगे आंसर बना देंगे शिवानी उनको फिर हम अच्छा हम बजाएंगे उसको जो डॉक्टर साहब पीछे बैठेंगे हमारे यहाँ पे बता है क्या होगा है दोनों का सहारा ठीक है अपनी शांति है भैया सब तो आप सब बोलेंगे थे भाई शिवानी शिवानी क्या कर रही आप हाँ सर देखो देखो आप देखते आप बताएंगे रूबी रूबी आई हैं कैसी हैं पता क्या इसका आंसर इसका दूसरा सही है और पहला चला मनीषा मनीषा आई है इसका क्या होता है इसमें ये आपने ये करा इसमें से इनमें सही होता है या ये इन्होंने सही होता है कोई बात नहीं कोई एक बताइए फिर बताया ना मुख्य बताया बताया उसके बाद रोजगारी पर सेवा ये मना है यार क्या आपने ये कौन सही आ रहा है उनका सही है आप जवाब बताओ ये ना सही है खाना खा कहीं करते हैं मुकेश वैसे बताया सेकंड सही पहला प्रदीप बताया पहला बनाता है दूसरा प्रसन्न सब बताओ क्या है
भाई भाई अभी बोले तो मैं तो चेक करते हैं कुछ पतलून तो फोन करता हूं चार्ज लगा देंगे पता है कुछ पतलून क्या है मैं तो यहां बैठा है कुछ पतलून पैंट है सागर भाई पतलून आ गए कुछ पतलून क्या है पैंट है सब बोल रही चाल ठीक है ढंग हो गया कुछ पतलून पैंट है भाई सभी पैंट जींस है सभी पैंट जींस होगी भाई ठीक है सभी जींस कोट है सभी जींस क्या है अब कौन सा कोट है वो नहीं होता हमें मजा ठीक है करते थे वही होकर डेरा कुछ पतलून पैंट है सभी पैंट जींस है सभी जींस कोट है गला बारा डर गए आत्मा क्या करो सभी पैंट कोट है क्या सभी पैंट कोट के अंदर आ रही है सही बात खड़ा सही हो गया कितने का करते हैं हाँ अच्छा अब देखो मतलब बना बोली थी चलो आप बता सही बात आप सही बात कम से कम कुछ पतलून जींस है कम से कम कुछ पतलून जींस में आ रही है क्या चेक जा रहे बच्चे चेक जा रहे हैं जींस हो जाएगा तो दोनों ही अंतर करते हैं क्या जाएगा दोनों सही है ठीक है अब बताएं पीछे साधना संध्या और ये तनपाणी है समय बताओ ये सही दोनों लोग बताओ हाँ साया होता है साया मैडम आप बताओ क्या रहा आंसर मैं बता रहा है आपने देख के बोला ये दिखाई का सर अभी क्या पता जी जो करते हैं सभी ब्रेड केक है सभी ब्रेड नाम भी खच्चिया बोला है देख रहे सभी केक सभी ग्रेट केक है कुछ केक पेस्ट्री है सब हिस्सा पेस्ट्री में आ जाएगा भाई पेस्ट्री हो भाई सभी पेस्ट्री क्या है टॉफी है सभी पेस्ट्री टॉफी है बताएंगे मुझे जावेद अली जावेद भाई बताए दोनों बता रहे हैं क्या आपके विमल रोकी नहीं आ रहा क्या तुम हाँ जो लड़की सही बोली कौन है लड़की बोले कौन अरे वो छोड़ो लड़की का बोला जिन्हें बताया देखते हैं देखो वही हम कर देखो सभी के अब जो पसंद हो इसमें हमारा या तो केस नहीं लग रहा तो कुछ अपना पसंद दूर हो जाएगा क्योंकि उसमें ब्रेड है इसमें केक है देखो केक टॉफी ब्रेड अलग अलग लाइन है यहाँ पे अब यहाँ पे या तो नहीं लगेगा अगर लाइन सेम होती है यहाँ पे ब्रेड वेस्ट तब सही था हमारा अब देखो पूरा कथन पॉजिटिव है हमारा पूरा कथन पॉजिटिव है ये क्या आ रहा है द्वितीय है खुशबू पानी बोलो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा दोनों सही है दोनों आइए ये क्या बचा हमारा अब क्या करो ये वाला सभी केक टॉफी है क्या सभी केक टॉफी बनना है नहीं तो दोनों बन जाएंगे ठीक है चैप्टर हमारा खत्म हो गया ये क्वेश्चन आपको घर से करना ना समझ में मुझे कर लेगा ना पूछा मुझसे ठीक है सही है अच्छा तो नया कराते हैं वो सबको समझाए 100% जो यहाँ बैठे हैं सब नहीं आएंगे अच्छा एक बात तो फैक्ट है अभी बुरा मानना लड़के सब लोग लड़के हैं जितने लोग बैठे हैं ये कोची मतलब कौन सी है क्या ये वाली है फ्री वाली है अब इसे मतलब लोग क्या सोचते हैं 80 मिनट लोग क्या सोचते हैं आ जाए घर बच्चे घर है फिर भाव देखता है क्या माहौल है वहाँ का आ गए एक दिन आए सर का समय नहीं आया नहीं आने फिर दो दिन बाद आ रहे यार चलते हैं देख रहे हैं फिर दो दिन बाद आ रहे अगर बच्चे मतलब क्या करते फीस फीस कहें तो देते फीस यहाँ पे 700 महीना फीस देते 700 महीना तो ये डेली आते डेली यहाँ पे तो ये डेली आते हैं यहाँ पे फ्री कोचिंग में कोई बैंक नहीं किया था सर मारे नहीं पैसे नहीं दिया करूँगा हाँ नहीं दिया करूँगा बस रहता हाँ क्या हुआ पूछो डाउट क्या होगा नहीं है है कोई ब्रेड पेस्ट्री नहीं है आपने कहा हाँ सर सही लग रहा है उसमें सर वो या तो सर डायग्राम का चेंज होगा कोई ब्रेड पेस्ट्री नहीं है कोई ब्रेड पेस्ट्री नहीं है हाँ नहीं है सही डायग्राम साहब से सर क्वेश्चन सही वाला नहीं है तब पार्टी टूर कल आए थे आप
तो मैंने क्या कहा था, कतान पॉजिटिव हो और इसका निगेटिव अंग्रेज होता है। अब डायग्राम देखो दो बना दे इसके, आप है दो डायग्राम तो उसका सही हो जाएगा, गलत हो गया फिर हो गया तुम्हें नहीं भाई, शादी होने वाले तो क्या कर रहे हो तुम है क्या विषय भाई, शादी होने वाली है तब कैसा कर रहे हो तुम, आप जाएगी बाहर बता रहे हो रास्ते चाहते हो चलिए मतलब क्या पढ़े हो आप लोग चैप्टर बताओ, खिलाफ भरी बड़ा चैप्टर का देखो चैप्टर ही पढ़ लो, सरल वाला चैप्टर पढ़ो पहले, जो चैप्टर सरल है वो पढ़ो पहले आप, ताकि आपको पिछले पाँच साल वाला लिखने वाला पढ़ता है ना डिसीजन मेकिंग मजा भी आया पढ़ने, अंतिम क्या बोले उसको हम फिगर को अंतिम क्या बोलेंगे, आकृति घटना काफी खा रहे गणना आप लोगों को जो सेम है क्या 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 होता था लड़ो टैक्स रहेगा पहला टैक्स क्या रहेगा फिर बुझो नीचे साथ रहो भाई देखो त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है हाँ करें देखो क्या हो गया अभिषेक क्या हुआ भाई, शांत हो जाओ देवियों और देवताओं, शांत हो जाओ, बताना है इनमें कितने आपके त्रिभुज होंगे, इन डायग्राम में वो तो लाए पानी कुछ लाओ पानी कुछ है पानी को लाए का पानी दे दो भाई देखिए शांत रहे, शांत रहे में समझ आएगा जो मैं अनुभव सकता हूँ, इसमें गृह त्रिभुज दिख रहा है आपको एक ही है, इसमें एक का दिख रहा हो तो दोनों देखो तो बेकार है, जामे कितने हैं तीन, कैसे एक दुनिया यहाँ पे समझो कुछ मत करो, खाली में जोड़ लो आपस में, देखो एक दो जोड़ लो, एक कर दो तीन हो गए, अब गिनना तो गिन लो, जो एक तो ये हो गया हमारा हो गया एक, एक जो हो गए दो हो गए और एक बड़ा वाला, तीन हो गए हमारे ये गिन सकते हैं, अरे बड़ा तो ये भी गिन सकते हैं, अरे बड़ा हो जाए तो कितना मुश्किल हो गया, टाइम खराब होगा, इसमें कितने हैं आठ और कोई दस, और कोई दस, देखो क्या करना है कुछ नहीं करना है, एक दो तीन चार को जोड़ दो, एक प्लस दो प्लस चार कितना हो गया, जोड़ लो भाई गिनते हैं दिक्कत हो तो गिन दे रहे, देखो जब भी ऐसा आ जाए सबको जोड़ दो आप, देखो क्या साथ रहो भैया, एक तो ये हो गया, एक हो गया एक हो गया, एक यहाँ से दो नहीं नहीं रखना दिक्कत हो जाएगी, देखो एक तो ये हो गया एक
दो तीन चार पे दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं चार। अब देखो कपड़ा यहाँ दो से ये लो, चार पांच हो गए, पांच तो यहाँ दो यहाँ तीन दो, छह हो गए, अपन तैयार हो गए, सात आठ और दोनों मिला के नौ, अब उड़ा दस बड़ा वाला, ठीक है दस से कम नहीं है, दस है बड़ा, इसमें दस है पूरे, ठीक है सही है। आप बता इसमें कितने मार्क्स पड़े इसको, कुछ नहीं करना है इनका, सुनो क्या करना है, जब भी ऐसे आ जाए तो डालो एक दो तीन चार सबको जोड़ दो, आप गिनोगे तो टाइम खराब बहुत होगा एग्जाम में आपका, ठीक है बता दे। अरे ऐसी मतलब स्टैंड स्टेप बच्चों ने अलग से कर रहा है, बता दे चलो बता जिसका होगा भाई बताओ,
एक क्वेश्चन हो रहा है, देखिएगा सही। Yeah.
नंबर एक दो तीन हो गया सबका। अरे बताया समझो इसको, देखो हम कम टाइम में कैसे करें समझो, इसको कम टाइम में कैसे करें समझो, गिनो ये कह सकते आराम से, देखो हम गिनो मैं इसको, ये करने में ले वाला एक तुम्हारा ये हो गया समझो, एक ये हो गया, दो नंबर ये हो गया त्रिभुज, तीन त्रिभुज ये हो गया, चार ये हो गया, ठीक है, और एक बड़ा वाला पूरा पांच, ठीक है पांच आंसर आ गया इसका, समझ में पांच कैसे आया। अगर यही चीज में गिने तो टाइम नहीं आया बहुत, अब गलती हो जाएगी हमारी, तो हमें अगला में गिनना नहीं है, ठीक है, हमें ज्ञान चाहिए, हमें गलत नहीं लिखना है, गलत लिखो बैठ के, हमें चाहिए कम टाइम में आंसर, तो ये तो गिनने में आसानी है। एक तरीका क्या हुआ, फॉर्मूला क्या था, तरीका हमारा ये ठीक लगा लो, क्या फॉर्मूला लिख लो, सूत्र में जाए चार गुणा एन प्लस का वन, ये बस इतना करो आपका आंसर आ जाएगा, जहाँ एन क्या है छोटे तभियों की संख्या, छोटे त्रिभुजों ऐसे बोलो ना, त्रिभुजों की संख्या है, देखो कैसे हो समझो, अभी चार क्या कर रहा है, चार गुणा एन क्या है, जो बड़ा त्रिभुज है उसके अंदर छोटे कितने हैं भाई, एक थोड़ा इतना छोटा, एक ये तो होना है ये तो गुणा करो एक से, यहाँ पे एक आ जाएगा प्लस एक, चार एकम चार और एक पांच आंसर आ जाएगा। इधर देखो जो हाँ देखो फॉर्मूला क्या था, चार गुणा एन था पीछे, अनु अनु का नाम है, चार गुणा एन है तो चार लिख दिया हमने, आप बहुत बढ़िया अपन बता चुके हैं, अब देखो समझो हो गया समझो, बड़ा त्रिभुज हमारा ये, बड़ा ये तो त्रिभुज, बड़ा ये सात रो, बड़ा ये इसके अंदर कितने छोटे त्रिभुज हैं पूरे, एक तो ये एक और दो दो हैं, दिख रहा है तो गुणा दो प्लस का एक, चार दूनी आठ और प्लस का एक कितने हुए नौ, चाहे गिनो दे वो गिनना उसको, मैं इसको नहीं गिन पाऊंगा, गिन रहा हूँ ये तो मेरा ये हो गया, गिनो एक हो गया, एक दो ये हो गए, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो जाएगा, पांचवा ये हो जाएगा, छठा ये हो जाए, छठा वाला सातवा ये हो जाए, सात हो गए, सात हो गए, इन सबको मिलाकर जो बनना है सात और एक छह और एक सात, ये हो गया सातवा हो गया, सात हो गए, सात हो गए, सात आठ हो गए, आठ हो गए, जो सात तो देख रहे हैं, सात देख रहे हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात, ये बड़ा वाला आठ और एक बड़ा वाला नौ, दो का नौ हमारे जो रहा गिन के, अगर समय से गिनोगे तो टाइम भी बन जाएगा, तब तक दिक्कत हो जाएगा, कैसे करो फिर से इस बार कैसे करोगे, चार गुणा अब देखो ये तो बड़ा वाला है, इसके अंदर कितने त्रिभुज छोटे हैं, एक ये छोटा, एक जो है एक जो है तीन है, एक दो तीन गुणा तीन प्लस का एक, चार तीन बारह प्लस का एक कितना हो गया तेरह, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है, गिनना चाहो तो गिन देना घर पे आराम बैठ के, कॉपी खोलना आराम से, खाना खाते आना गिनते आना, सही है बता दी, पंद्रह में कितना लगा, पंद्रह रक्षण लगाया, पंद्रह लक्षण में साइन कर रक्षण लोग पता जाओ कितना है इसमें, जो ये डायग्राम है जब मैं भी क्वेश्चन करते पहले वाले उनको इनको मिला के बनाया मुझे दोनों को मिला के कंबाइन करके, ये मिटा दे वाले जगह हो जाएगी, मिटा दे मिटा दे आप मिटा दे वाले।
देखो करते हैं समझो, देखो ध्यान दो, सांत्वना देखो, ये कारण का रखना, एक दो तीन चार, ये वाला पीछे वाला कितने रुकना, छोड़ लो कितने हो सभी, दस रुकना होगा, दस होगा ये, आगे देखो, एक दो तीन चार, दस रुकना होगा जोड़ने तो, लेकिन एक का नहीं आ रही पीछे में, एक ये बुला कर कितने दो से, तीन होगा हमारे, ऐसे एक दो तीन जोड़ कितने होगा ये छह होगा बुढ़ा कहेंगे एक दो दूनी बारह ये होगा बारह पूरे हो गए अपने अंदर का जब ध्यान था यहाँ पे गिनो एक दो तीन चार पाँच छह सात हो गए इनको सबको मिला के सात और एक ये आठ और एक ये नौ और ये बराबर ना दस दस ये हो गए दस ये बीस ये और बारह ये कितना हो रहा है सही है कोई समस्या किसी को बताओ कैसे करा है इनको हमने गिना दस ये आ गए फिर एक दो गिना दस और एक आ जाएगी एक एक बीस ये हो गए हमारे ऐसे एक दो तीन तीन छह हो गए एक का निर्णय आ रही एक तीसरी लाइन दूनी बारह ये हो गए अंदर के सात सबको मिला के आठ पूरा मिला के नौ पूरा मिला के दस ठीक है अंदर बाहर निकाल के कैसे तभी आ जाएगा ना नहीं आ जाएगा बारह और तेरह नहीं सर ये जो बड़ा वाला है उसको तीन से गुणा कर देंगे चार से फिर उसको एक दो कोई ये वाला हटा दें अब देखो ये वाला तो हम देखो विमल फॉर्मूले से ये नहीं कहेंगे खाली हो जा रहा है ये बड़ा वाला है कितने हैं एक दो है चार दूनी आठ और एक नौ बड़ा वाला दस समझो चार गुणा एंड करेंगे आगे बढ़ेंगे इसके अंदर कितने तुम इसके अंदर एक दो दो गुणा दो दस का बड़ा वाला एक एक कितना आठ और नौ और बड़ा वाला दस इसलिए दस दिया ठीक है ये वाला देखो ये कितना आसान है ये कितना आसान है लेकिन सवाल दफा कैसे देखो सुनो देखो इस मतलब गिनेंगे हम इसमें कैसे गिनेंगे देखो इसमें कितना आसान है देख लो त्रिभुज एक पीछे शाम था भाई एक हो गया ये त्रिभुज हो गया दो हो गया हमारा ये तीन हो गया त्रिभुज चार हो गए कितने हो गए चार हो गए हमारा ये चार तो दिख रहा है तू अरे जा रहा है दो चार तो दिख रहे हैं चार दिख रहे हैं अब देखो जो चार नहीं दिख रहे हैं वो देखो प्लस है हेलो अब देखो कपड़ा यहाँ देखो देखो समझो ये पैंट भैया है नहीं देखो
ये है एक ही हो गया दिख रहा है यहाँ से कहीं से दो हो गए यहाँ से दो ये हो गए तो अब तो वही को बोल रही एक हो गया इधर यहीं से दो दो ये कितना हो गए आठ करना है आठ कैसे आ रहे हैं तो इसके लिए तरीका क्या है गिनोगे टेम्पर क्या करोगे आप एक दो तीन का कितने आ रहे हैं गुणा कर दो दो से चार गुणा दो आठ आ रहा है पैसे के बेच में आप देखो एक है दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ गुणा दो कर दो अंडे पड़ता है थोड़ा अपने मिले ना आंसर तैयार आपको ठीक है यह है तरीका गिन दो चाहे गिनने में आ रहा है तरीका चाहे लगा दो तीन मान लो चौथे मान लो सबको नंबरिंग कर दो तो बड़ा दुगना उसका आंसर आ जाएगा आपका ठीक है ये लड़का क्या बहुत बोलते हैं ये लड़का क्या बहुत बोलते हैं ये नीचे वाला चौंधी से उठा के खा लूँगा क्या टीम मारी है भाई टीम मारी है अरे जब हम ये कैसे करें समझो जो हमने हाँ सुन लिया मैडम हमारी सुन लिया जो हमने ऐसे करा सेम देखो वैसे पीछे देखो तांत्रा पीछे पहले की देखो पहले इधर देखो इधर फिर अन्य ओके बंद करो यार देखो एक दो तीन चार है ये चार दुनी आठ क्या देखो एक दो तीन चार दुनी आठ आठ कितने हो गए सोलह ही हो गए लेकिन इसमें दो बनना है जो पांच बनना समझो हाँ यार ना जब भी दो बॉक्स मिलते आपस में एक बॉक्स ही मान लो एक यहाँ मिलना है यहाँ से मिलना ही वाले यहाँ से मिलना है तो यहाँ से बने दो कैसे एक मानिए एक त्रिभुज एक यहाँ से दो दो बनते कितने हो गए अठारह तो यहाँ से क्या है याद रखें आप लोग जब दो को कोई मिलाता है ये वाला ये बीच वाला तो इसमें दो बनते ठीक है देखो एक ही बनिया हमारा सोलह कितने बनने आते हैं एक दो दो ये हो गए और क्या बनना है दो और बनेंगे बनना है देखो अगर ये नहीं होते तो बनते तो भाई एक और दो ये बनना जब बराबर में दो आंसर आ जाएगा 36 अगर ये नहीं होती तब नहीं बनता हमारा तब दो बनते पता नहीं लगते चिल्ला